हे hey guys, वेलकम or वेलकम बैक टू my चैनल इफ यू आर seeing दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम hi guys, my नेम इज Shivani. और ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है वैलेंटाइन्स डे के लिए आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आएगा और अगर पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को लाइक कर देना और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना अगर आप मुझे पर्सनली पसंद करते हैं तो आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं Instagram का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं सो या विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट गाइस so सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइफ्स का टोनर टोनर लगाया करो टोनर लगाने से आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रहता है आपकी स्किन और भी ज़्यादा हाइड्रेट रहती है उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ पे पेट्रोलियम जेली लगा रही हूँ वैसलिन की और उसके बाद मेरा फेवरेट सिरम है ये आप लोगों को पता है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये रोजप सिरम तो मैंने इसके रोजप सिरम लगाया उसके बाद मैंने यहाँ पे गुड वाइफ्स की सेफ्रॉन क्रीम लगाई अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ गाइज़ पर्पल का प्राइमर और ये ट्वेंटी फ़ोर कैरेट प्राइमर है और प्राइमर लगाने से आपके जितने भी ओपन पोजेज़ होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं ब्लर आउट हो जाते हैं और आपका जो फाउंडेशन है ना वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फेसिस कैनेडा का फ़ाउंडेशन और इसे मैं पहले पूरे फेस पे अपने स्प्रेड कर लूँगी ताकि मेरा जितना भी फाउंडेशन है वो थोड़ा कम लगे उसके बाद वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ मैं यहाँ पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ अगर आपने मेरी वेट ब्यूटी ब्लेंडर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देख लेना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आपसे ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते नहीं आता है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं ओके okay, सो so फिर मैं यहाँ पे कंसीलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसीलर है अगर आप चाहते हैं इसे बाय करना तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वैसे तो मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ मेकअप पर मैं सबके आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करा लूँगी तो आप एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा सो मैं यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ अपने हाई पॉइंट्स के लिए ताकि मेरे जितने भी हाई पॉइंट्स हैं वो अच्छे से दिखें और देन मैंने यहाँ पे अपने अंडर आई को बेक बेक करने के लिए यूज़ किया है लेक का पाउडर और ये लैकमे का बहुत अच्छा पाउडर है हंड्रेड रुपीज़ में आपको ईजिली मिल जाएगा पर्पल में देन मैंने यहाँ पर आई मेकअप के लिए यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट और मैंने सबसे ज़्यादा जो ब्राउन शेड मतलब लाइट ब्राउन शेड होता है ना उसको सबसे पहले अपनी क्रीज डिफाइन करने के लिए यूज़ किया उसके बाद थोड़ा सा डार्क शेड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ब्राउन कलर का मैं क्या कर रही हूँ जो बिल्कुल लाइट से हम डार्क पे जाएंगे ठीक है ना देन उससे ज़्यादा डार्क जो बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन कलर है वो मैंने यूज़ किया है तो मैंने यहाँ पे तीन आई शेडो कलर यहाँ पे यूज़ किए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा यू नो ब्राउनस स्मोकी आइज़ क्रिएट करने वाली हूँ इसलिए इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे गाइस जब भी आप स्मोकी आइस करते हो ना तो ब्लेंडिंग पर ध्यान रखा करो जितना आप ब्लेंडिंग अच्छे से दोगे ना आपका जो स्मोकी स्मोकी लुक है ना वो और भी ज़्यादा अच्छे से लुक दिखेगा देन आज मैं इस मेकअप लुक पे कोई भी लाइनर यूज़ नहीं करने वाली हूँ मैंने एक ब्लैक आई शेडो लिया है इसी पैलेट में से और इसे अपनी जो जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं ना उस लाइन पे अच्छे से इसे लगा लूँगी उसके बाद मैं जितना भी हमने लैक का जो पाउडर था वो मैंने इसको रिमूव कर दिया पूरा उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी ब्राउज़ को फिल करूँगी ब्राउज़ को फ़िल करने के लिए मैंने यहाँ पे मेरी फेवरेट पैलेट ली है गाई ऐसे मेरा तो एक्चुअली स्विस ब्यूटी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक तो अफोर्डेबल भी हैं और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इसके प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी और आईब्रोज़ को फ़िल करने के लिए मेरी जो नेचुरल लाइन है ना आईब्रोज़ की मैंने उसको ही फॉलो किया है मैंने कोई एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ नहीं की है देन मैंने ये शुगर की पैलेट है इसमें आपको कॉन्टोर ब्लश और हाईलाइटर तीनों मिल जाते हैं तो मैं इसी पैलेट में से मैंने यहाँ पे एक ब्राउन्जर कलर लिया है उसे अच्छे से मैं अपने पूरा फेस जो है कॉन्टोर कर लूँगी उसके बाद मैंने ये शिवाना की पैलेट लिया है ब्लश पैलेट और गाइस ये शिवाना की पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है इसमें आपको एट शेड्स मिल जाएंगे ब्लश के जिसमें कि एक हाइलाइटर रहेगा वाइट कलर का तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है और मैंने एकदम पीची कलर लिया है थोड़ा सा सॉफ्ट लुक के लिए ताकि ये थोड़ा सा डे लुक है तो मैं चाहती हूँ कि जितना मेरा मेकअप हो ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो और थोड़ा सा ग्लोई ग्लोई हो तो इसी बात देन इसी शिवाना के पैलेट में से मैंने एक शिमर शेड लिया है उसको मैं एज एन हाइलाइटर लगा रही हूँ अपने फेस पे अपने हाई पॉइंट्स पे खासकर देन मैंने यहाँ पे लिपस्टिक के लिए यूज़ किया है मेब्रिन की लिपस्टिक गाइज़ मैंने जो कलर लगाया था वो ब्राउन कलर लगाया था पर पता नहीं क्यों कैमरे पे ये रेड कलर लग रहा है लेकिन फिर भी उतना बुरा नहीं लग रहा है अच्छा लग रहा है बट ब्राउन कलर अगर दिखता तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता ऐसा मैं सोच रही थी सो या यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का मस्कारा यहाँ पर और मैं आज कोई भी फॉलसीज नहीं नहीं लगा रही हूं मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए था क्योंकि मैंने ये डे लुक किया है ना इसलिए देन मैंने पूरा अपने जो मेकअप किया था उसको सेट करने के लिए यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर एंड हेयर इज़ दी फाइनल लुक गाइज आई होप यू लाइक दिस लुक गाइज एंड इफ़ यू लाइक इट डोंट फर्गेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग हेयर स्टाइल्स में यू you नो know, आपको दिखाया है कि आप अगर चाहें तो अपने जो हेयर्स हैं उसको बांध के भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो खोल के भी रख सकते हैं दोनों ही चीज़ों में ये लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा सोया so, yeah, मुझे कमेंट पे बताना ज़रूर कि ये लोग आप लोग आपको कैसा लगा और uh, कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो अगर आप चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना मैं बिल्कुल उसमें uh, वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी सोया so, yeah, मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर टिल देन टेक केयर बाय सी यू